हेलो दिस इज जॉनी एंड आई एम बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। आई बिलीव काफी देहरादून वालों को ये जगह नहीं मालूम होगी। वैसे थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा आपको मैं किस जगह के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं पता लगा तो पूरी वीडियो जरूर देखें। तो बिना देरी करे वीडियो को आरंभ करते हैं। इस बार मैं लेकर चल रहा हूँ आपको देहरादून की बेहद ही खूबसूरत जगह। यह जगह देहरादून के एक पर्यटन स्थलों में से है। ये जगह जो है देहरादून से मात्र घंटाघर से आपकी 10 किलोमीटर दूर है। इस जगह को विवेकानंद तपस्थली के नाम से भी जाना जाता है। और ये खूबसूरत सी जगह जो है राजपुर में ही है और राजपुर के जंगलों में ही है। तो आइए चलते हैं अंदर, बिना देरी करे मैं आपको अंदर ले जाता हूँ और दिखाता हूँ। तो बताया जाता है 1890 में जब स्वामीकानंद जी अपनी हिमालय की यात्रा कर रहे थे उस दौरान पर वो इस जगह पर आए और इस जगह पर आकर उन्होंने थोड़ा विश्राम करा। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर, कितना खूबसूरत मंदिर है। तो अच्छा, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर बंदर भी बहुत हैं। तो इस वजह से आप सावधान रहें, बिकॉज बंदर आपकी खाने पीने की जो थैली लेकर आए हो आप वो भी छीन के भाग जाते हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया, ये 400 से 500 साल पुराना इसका स्ट्रक्चर जो है और ये मंदिर जो है उस समय का बना हुआ है। तो उस समय तो मतलब ये जो दिखाई दे रहा है मुझे अभी, ये तो मुझे लग रहा है कि अभी कुछ समय पहले का ही होगा, लेकिन देखा जाए तो उस समय जो रखी गई होगी, शिलाएँ रखी गई होंगी या मंदिर में जो रखा गया होगा, मतलब वो इतनी बड़ी शिलाएं नहीं होंगी या मंदिर उस समय का इतना डेवलप नहीं होगा जितना आज है। तो यह मंदिर और यह जगह ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर टूरिस्ट इजीली से अट्रैक्ट नहीं होते। तो शायद से क्या पता यही वजह रही हो जिसने स्वामी विवेकानंद जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराओ। तो अभी तो यहाँ पर रोड बन चुकी है जिससे वाहन की आवाजाही बहुत है, मगर फिर भी इस जगह पे आप शांति और सुकून को महसूस कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पंडित जी के पास और उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी आपका शुभ नाम? मेरे नाम स्वामी सच्चिदानंद। अच्छा पंडित जी, मैंने इसके बारे में काफ़ी लोकप्रियता सुनी है लेकिन अभी भी देहरादून वासियों को इसके बारे में इतना नहीं पता है। तो मैं चाह रहा था कि आप मुझे और मेरे व्यूअर्स को थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताते। ये प्राचीन मंदिर है, 400-500 साल बोलते हैं और पुराने लोग बोलते हैं कि यह तो विदिष्टर का टाइम का भी ऐसी भी मान्यता है इसका। अच्छा, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी आए हैं, तुभियानंद यहाँ साधना की है। अच्छा, ऐसे यहाँ महापुरुषों का साधना स्थली रही है। ये एक तरह आश्रम भी है, मंदिर भी है, साधु संतों का ही स्थल रही है। तो यहाँ पर जैसे वार्षिक कोई महोत्सव बनाया जाता है, मेला लगता है इस तरह से? पहले तो कुछ अपना नहीं हो रहा था, जब से मैं 97 से यहाँ पे हूँ तब से शिवरात्रि का थोड़ा एक भंडारा करते और हनुमान जयंती। अच्छा, शिवरात्रि और हनुमान जयंती का होता है यहाँ पर। तो ट्यूशन, बच्चों का फ्री ट्यूशन भी चल रहा है। अच्छा, 40 एक चार टीचर है, 70-80 बच्चे भी हैं यहाँ पे। शाम को उनका प्रसाद भोजन भी मिलता है, 2 घंटे का ट्यूशन है, शाम को उनका भोजन का व्यवस्था भी है। 2011 से यहाँ पे चलता है। यहाँ पर एक सेवादार भी एक वृद्ध है, एक पंडित सुबह शाम आके आरती करता है, मैं 24 घंटा यहीं रहा। अच्छा, तो पंडित जी आरती का समय क्या है? आरती का समय कोई निगित टाइम नहीं है हमारे पंडित जी, यहाँ तो कोई व्यवस्था तो है नहीं, कोई पहले कुछ होता नहीं था। अच्छा, पर आगे पीछे टाइम का
अच्छा तो पंडित जी, जिस प्रकार से इतना पुराना है मंदिर, पौराणिक मंदिर है, तो उस हिसाब से यहाँ पर यात्री और श्रद्धालु आते हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई कम है, यह तो चारों धाम जाने वाले, गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले साधु लोग, जैसे पैदल चलने वाले यहाँ पर कभी आ गए तो। मैं यहाँ पर जो आप बता रहे थे विवेकानंद जी की तपस्थली है जैसे कि, तो विवेकानंद जी किस समय पर आके यहाँ पर उन्होंने तप करा, ऐसा भी कुछ मुझे पता लगा है, कुछ बताएं। कमरा है, हाँ जी, 1890 का है। यहाँ पर स्वामी राम भी आए हैं, सत्यानंद महाराज भी यहाँ रहे, कई महापुरुषों ने यहाँ रहे पहले। बीच में इसका हालत देखने वाले नहीं थे, यहाँ कोई रास्ता भी नहीं था। अच्छा। उसके बाद ये खाली रहा, मैं 97 से यहाँ पे आऊँ। ठीक ठीक, चलिए पंडित जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत अपना कीमती समय देने के लिए हमें। नीचे कमरा है वो भी। अच्छा ठीक ठीक ठीक, नीचे ठीक है ठीक है, हाँ ये भी कमरा है नीचे, ठीक है। तो आप दिखाएंगे, हम जा सकते हैं कमरे? हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो पंडित जी से मैं चाबी ले चुका हूँ, अब मैं चल के आपको दिखाता हूँ वह कमरा जहाँ पर उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या करी थी। क्या वह कमरा अभी भी वैसी है जैसे उस समय रहा? तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो यह है वह कमरा। अगर कमरा देखें तो अब कमरा पूरा डेवलप हो चुका है। उस समय यह कमरा कैसे रहा होगा इसका तो मैं कुछ बता नहीं सकता आपको। तो ऐसा बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी स्वामी अखंडानंद जी के साथ मसूरी से देहरादून वापस आ रहे थे, घोड़ों पे सवार थे उस समय वे, और उस समय आते हुए उनकी नज़र इस जगह पर पड़ी। अब उस समय तुरियानंद जी जो कि रामकृष्ण जी के शिष्य थे, वह तुरियानंद जी अपने शिष्यों के साथ इस जगह पर शिव उपासना कर रहे थे। अब स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें देखा तो उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया, जिस वजह से वह तुरियानंद जी से मिले। फिर तुरियानंद जी ने उनको कुछ समय यहाँ पर व्यतीत करने के लिए कहा। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी इस कमरे में आए। तब स्वामी विवेकानंद जी ने इस कमरे में 3 हफ्ते बिताए और 3 हफ्ते यहाँ पर तपस्या करी। इस जगह को उस समय से आज तक इसी वजह से स्वामी विवेकानंद जी की तपस्थली माना जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक घंटे का बटन जरूर दबाएं।